वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज की हमारी क्लास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखो भाई, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोग जो पढ़ रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए किसी भी तरीके की, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहा, चाहे आप सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक बेसिक से पॉइंट हो, ऊपर से हाइयर लेवल हो, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी उसमें। एक बहुत ही गलत बात ये हो रही है कि आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं करते, ठीक है। व्यूज़ वगैरह दे देते हो पर शेयर नहीं करते। भाई शेयर भी कर दो यार, दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए ना, आपके दोस्तों का भी, ठीक है। उनको भी तो पता लगना चाहिए कि कॉमर्स एक्सेस आप लोग पढ़ रहे हो उससे, ठीक है। चलो अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपनी जो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और दूसरी बात ये है कि भैया मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, ठीक है। आपने क्या देखा था, आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें। मतलब सारे कुछ स्टैटिस्टिक्स क्या इंटर रिलेटेड ही है। मतलब आप एक चीज़, अगर हमने अपने सेंट्रल टेंडेंसी जो पढ़ी थी टेंडेंसीज, ठीक है, उसको अच्छे से समझ में आई होगी ना, तो हमारे डिस्पर्शन में सेंट्रल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो आप लोग ने अगर, मतलब कुछ भी आपको टॉपिक में रह गया हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप लोग क्या नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। एक मतलब छोटी सी क्लास बना दूंगा जिसमें आप लोग जो कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सेंट्रल टेंडेंसी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बेसिस पे ही हमारी सारी सारी स्टैटिस्टिक्स आगे चलती है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्पर्शन। तो देखो, जैसे हमारा टेंडेंसी का मतलब क्या था, टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये था कि हमारा कोई एक ये ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा कोई एक ग्रुप है और इसके बीच की कोई एक वैल्यू होती थी। हमारा जो पूरा पूरा जो डाटा होता था वो कहीं ना कहीं इसके अराउंड में रिवॉल्व करता था। मतलब क्या बात हुई कि इसके अराउंड में टोटल वो डाटा क्या करता था, हमारा कहीं ना कहीं घूमता रहता था, और यही हमारी क्या होती, सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू थी किसी भी डाटा की जो उस पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती थी। हालांकि इस वाले जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ये हमारे सबसे बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स का जो टूल होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा खामियां थी। अब खामियां क्या थी कि कोई भी हमारा जो डाटा है, ठीक है, हमारा कोई भी जो डाटा है वो क्या, वो किसी भी एक वैल्यू के ऊपर क्या करते है? एक वैल्यू के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि देखो, जैसे आपका दो डाटा है, एक क्या है यहाँ पे एज है, ठीक है, इसकी 23 है, 24 है, 25 है, 26 और 27 है। तो जब हम इसका मीन निकालते हैं तो इसका कितना आता है, हमारा 25 आता है। तो हमको क्या पता लगा, हमारी जो एवरेज जो एज है वो कितना था, 25 था, ठीक है, 25 ईयर्स था। वहीं पे अगर हम वेट निकालते हैं किसी एक क्लास का, तो उसका मान लो कि किसी बच्चों का वेट है 23 है, 24 है, 25 है, 26 है और 27 है, ठीक है। तो जब ये वेट भी हमारा 27 है, तो हमारा जो एवरेज जो वेट आया इसमें, तो वो कितना था हमारा, 25 kg। तो इससे हमको क्या चीज़ पता लगी कि सर हम, मतलब एज और वेट क्या इन दोनों का कोई, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं क्या? नहीं, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। किसी भी 25 साल के इंसान का वेट 25 kg नहीं हो सकता, उसी तरीके से 25 kg वाले का वेट एज 25 ईयर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुई कि इस वजह से सेंट्रल टेंडेंसी हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं हमारे, मतलब एक परफेक्ट डाटा दिखाने के लिए फेल हो जाती है, क्योंकि ये एक अनरिलेटेड सा डाटा दिखा दी। मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि अर्निंग की ही बात कर लेंगे, ठीक है, किसी को 23 रुपये वेजेस मिलता है, किसी को 24 रुपये, किसी को 25, तो उसका भी एवरेज हमारा 25 रुपये आ जाता है, ठीक है। तो ये डाटा किसी भी तरीके से रिलेट नहीं है। तो इसके लिए क्या किया, सेंट्रल टेंडेंसी हमारी मार्केट में फेल हो गई, ठीक है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी हमारे वो वाला डाटा नहीं दिखा पाती जो हमको चाहिए था। तो इसकी वजह से क्या, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी से एक स्टेप आगे चले, और उसका नाम क्या था हमारा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब ये है कि हमारा कोई भी डाटा जो है उसकी हम कोई एक वैल्यू नहीं निकालेंगे। मतलब हमारे डाटा डिस्पर्शन का जो आंसर होगा वो तो एक आएगा, बट वो कहीं ना कहीं हमारे इतनी सारी वैल्यू से रिलेट करेगी कि हमारे जितना भी डाटा होगा वो एक उसकी ट्रू वैल्यू कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मेज स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस, तो ये सब जितने भी हमारे होते हैं ये सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेट होता है कहीं ना कहीं जिसके बीच में क्या करता है, हमारा डाटा लाई करता है, ठीक है। ये मतलब एक लिमिट बनाता है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, फैलना। डिस्पर्शन अगर इंग्लिश में मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो डाटा हमारा कहीं एक वैल्यू पे ना रह करके, जैसे हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में रहता था, डाटा जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं फैलता है। तो इससे जब फैलता हमारा डाटा तो क्या होता है, इससे हमारी ट्रू वैल्यू निकल के आती है। मतलब उस डाटा का एक होल अप्रोच, मतलब एक बड़ा करके हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आई मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। चलो अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे अच्छी अच्छी, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर डेफिनेशन अपनी पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाता है। और डेफिनेशन कभी भी स्किप नहीं करना किसी भी टॉपिक की, क्योंकि जिस दिन आपने डेफिनेशन स्किप करी उस दिन आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप लोग, मतलब बहुत ज़्यादा उस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ देते हो। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, द
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट एडिक्वेट टू डिस्क्राइब डाटा. मैंने आपको बता दिया कि वो एडिक्वेट क्यों नहीं है किसी भी डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए. द डाटा सेट्स कैन हैव द सेम मीन बट दे कैन बी एंटायरली डिफरेंट. कोई भी दो डाटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एज और ईयर्स का, कि मतलब वो उनके मीन जो है वो सेम आ जाते हैं, बट वो क्या एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है. ठीक है, तो भाई कोई रिलेशनशिप शो नहीं करता. दस टू डिस्क्राइब डाटा वन नीड्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी. मतलब उसकी वेरिएबिलिटी हमको चेक करनी पड़ेगी, कितना ज्यादा वेरिएट कर सकता है डाटा. ठीक है, उसी दिस इज गिवन बाय द मेजर्स ऑफ द डिस्पर्शन. तो उसी वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को शो करने, मतलब उस डाटा की वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो कितना वेरिएट हो सकता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, ये चीज समझ में. अब देखो आगे, डिस्पर्शन इन स्टैटिस्टिक्स इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ स्प्रेड, ठीक है, एक डाटा कितना फैल सकता है. आउट ऑफ स्टेट ऑफ डाटा इज डिस्पर्शन, इज द स्टेट ऑफ डाटा गेटिंग डिस्पर्स स्ट्रेस्ड और स्प्रेड आउट इन डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, वो मतलब डाटा किसी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमारा, मतलब ये कोई हमारी कैटेगरी है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और. ठीक है, इसमें कितना फैल सकता है, इसमें कितना फैल सकता है और इसमें कितना फैल सकता है. तो ये चीज़ हमारी कौन शो करता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन शो करता है. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है हमारा, ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजफुल, मतलब अगर हम बात करेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा यूजफुल डाटा है. ठीक है, मतलब यूज़ होने वाले, जब आप स्टैटिस्टिशियन बन जाओगे, JSO में जब जाओगे आप लोग सेलेक्ट होगे, ठीक है, तो आप लोग उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ इसका करोगे. हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ठीक है, टेंडेंसी जितनी भी हमारी सेंट्रल की, ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है डाटा की, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, बट ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती आज के टाइम पे. ठीक है, चलो इसकी और डेफिनेशन देखें. डिस्पर्शन ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स वन टू इजीली अंडरस्टैंड द डाटा सेट बाय क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक डिस्पर्शन क्राइटेरिया लाइक वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड रेंजेस. ठीक है, हालांकि इसमें हम अपने छः वो पढ़ेंगे, छः टॉपिक्स अंदर, कि वो अभी हम देखेंगे आगे क्या क्या हो गए. डिस्पर्शन इज अ सेट ऑफ मेजर्स दैट हेल्प वन टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ डाटा इन एन ऑब्जेक्टिवली क्वान्टिफाइबल मैनर. ठीक है, डिस्पर्शन हमारा कैसे, जिसमें हम अपनी क्वालिटी ऑफ डाटा देख सकते हैं, किसमें, क्वांटिफाइबल मैनर में. कोई बहुत अच्छी, मतलब कि बहुत हार्ड डेफिनेशन नहीं है, इजी इजी सी है. तो आपको ये चीज़ बेसिक अब समझ में आएगा कि हमारा डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, मतलब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को क्यों छोड़ते हैं और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एवोल्यूशन क्यों आया. अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, ये इसका एक सप्लीमेंट है, मतलब कि इससे एक आगे पॉइंट हमारा निकल जाता है. मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेक पॉसिबल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, हमारे कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वेट का बताया था और एज का बताया था, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी सोशल प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनकी हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में. जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे ना, तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है. द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कंटेन्स ऑलमोस्ट द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी बींग मेजर. देर आर मैनी ऑफ डिस्पर्शन फाउंड विच हेल्प अस टू गेट मोर इनसाइट्स ऑफ द डाटा. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक हमारी होती है रेंज. तो रेंज हमारी जो होती है सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की. ठीक है, तो ये हमारी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. आगे हम देखेंगे क्यों है, क्योंकि हमको इसमें सबसे छोटा सा फॉर्मूला याद करना. तो जितना छोटा फॉर्मूला होगा ना, एक चीज़ याद रखना कि उसका जितना छोटा फॉर्मूला है, ठीक है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा सिंपलेस्ट है, उसका रिलेवेंसी उतनी ही कम है. जो जितना बड़ा फॉर्मूला है उसकी रिलेवेंसी उतनी ज़्यादा हाई है. ठीक है, उसकी जो हमारी क्या कहते हैं, हम अगर उसको बात करें, रिलेवेंसी होगी एक चीज़, तो और एक चीज़ होगी कि हमारी उसके ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं या फिर कितना एक्यूरेट है. ठीक है, उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा हाई रहेगी जितना बड़ा उसका फॉर्मूला रहेगा. ये चीज़ आप स्टैटिस्टिक्स में इसी याद रखना. फिर हमारा क्या आता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है. क्वार्टाइल से कुछ याद आया आपको, Q1 Q3 हम निकालते थे अपने. ठीक है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल वही है ये भी. ठीक है, क्वार्टाइल एक डेविएशन होता है. ठीक है, उसमें भी हम लोग क्वार्टाइल का ही यूज़ करेंगे. मीन डेविएशन, मीन में हम लोग अपने मीन मीडियन का यूज़ करेंगे. फिर हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़े बड़ा होता है, जो मैं आपको बताऊंगा. इसका साइन ये होता है, हमसे याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये चीज़ होती है. फिर हमारा क्या था, लॉरेंज कर्व आता है. तो एक कर्व हम लोग अपनी लास्ट वाली क्लास, मतलब सबसे लास्ट वाला टॉपिक रहेगा जिसमें पढ़ेंगे. रेंज पढ़ने का इंटर क्वार्टर रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड. तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में ही उतने फॉर्मूले मिलेंगे जितने हमें मीन में मिले थे, मतलब इसमें लगभग हमारे 9 फॉर्मूले रहेंगे. ठीक है, घबराना नहीं, उसको भी ईजी तरीके बताऊंगा कैसे याद करना, जैसे मैंने आपके मीन के बताए थे. तो चलो आप देखते हैं हम लोग रेंज. तो हमारी रेंज क्या होती है, रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. द रेंज कैन बी बॉट ऑफ इन टू वेज एज ऑफ क्वांटिटी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोअर स्क्वेयर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो रेंज का अगर मैं एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता दूँ,
तो हमारे जिसको फॉर्मूला दो तो हमारा क्या एल माइनस एस, मतलब जो हमारा लार्जेस्ट जो भी कोई वैल्यू होगी उसमें, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या सिंपल वाली शॉर्टेस्ट वाली वैल्यू को या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारा किसका रेंज का फॉर्मूला होता है। सर ये क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है, आज तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, बाकी हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे सारा कुछ। तो जैसे डाटा से उठा के जब करेंगे क्वेश्चन, कैसे डाटा से उठाया कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये हमारा एल है, ये हमारा एस है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताए थे मीन डेविएशन वगैरह में, ठीक है, तो हमको सब क्वेश्चन में आता जाएगा। अब हमारा क्या आता है इंटर क्वार्टर रेंज। तो इंटर क्वार्टर रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर हमारा कौन सा था, Q1, और थर्ड क्वार्टर हमारा कौन सा था, Q3, है ना। ये हमारी कौन सी थी लोअर क्वार्टाइल, ये कौन सी थी हमारी अपर क्वार्टाइल। हेंस द इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्क्राइब्स द मिडिल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज लार्ज, इट मींस द मिडिल 50% ऑब्जर्वेशन स्पेस्ड वाइड अपर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा, अगर हमारा छोटा होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मिडिल जो 50% से उससे छोटा होगा, ठीक है, और 50% से बड़ा होगा कब, जब हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज बढ़ी आती है तब। अब हमारा क्या आता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारी क्या आती है, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिपेंडिंग अपॉन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स इज नोन एज द क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस, मतलब इसका कहीं ना कहीं फॉर्मूला हमारा ये होता है, बस ये क्या होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग Qd लिखते हैं, अपना फॉर्मूला भी लिखने नहीं है, ठीक है, लिखने मत बैठ जाना, हम लोग जैसे जैसे आगे करते जाएंगे उसमें मैं आपको बताते जाऊंगा। अब हमारा क्या आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है, मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, हमारा मीन डेविएशन। और वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बट अगर हम बोलें तो मीन डेविएशन भी लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टर डेविएशन, रेंज वगैरह ये सब थोड़ा कम कम पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इसका अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो क्या होता है मीन डेविएशन का मतलब ये होता है हमारा सिग्मा ऑफ एफ, और यहाँ पर डिस्पर्शन में अपॉन में एन, ठीक है, एफ फ्रिक्वेंसी हमारी वही रहती है, हालांकि इसमें हमारी डिस्पर्शन जो होती है वो बदल जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्पर्शन क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है मीन डेविएशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, मीन डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन का एक मेजर है विच इज नोन एज द एवरेज डेविएशन। इसको कई बार हम लोग क्या एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम मीन और मीडियन, ठीक है, इसको हम लोग मीन से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा जो डिस्पर्शन होता है ना, ये हमारा मीन से भी आ सकता है या फिर हमारा मीडियन से भी आ सकता है। तो सर ये कैसे, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी मत करो। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक डेविएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मे बी मीन और द मीडियन। मीन डेविएशन हम लोग मीन अपने सेंट्रल टेंडेंसी के मीन और मीडियन से निकालते हैं, ये हमारा मीन हो सकता है या फिर मीडियन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोला कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारी पढ़नी क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ में आना। अब क्या था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा अबाउट द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम स्क्वायर डेविएशन। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ इसका सिंपलेस्ट वाला, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इसका हमारा क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला होता है। बाकी इसमें भी हमारा बोला होता है कैसे डायरेक्ट मेथड, ठीक है, फिर हमारा क्या होता था डायरेक्ट के बाद में, बताओ, बताया था ना मैंने आपको, सबसे पहले हमारा डायरेक्ट आता था, फिर क्या आता था हमारा शॉर्टकट मेथड, फिर आ जाता था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इसके भी ऐसे तीन तीन, मतलब इसके तीन होंगे फिर तीन होंगे फिर तीन होंगे, तो ऐसे 9 फॉर्मूले होंगे, ठीक है, घबराना नहीं। तो यहीं पे अभी से इसको मार्क कर लो कि इसके 9 फॉर्मूले होंगे। इन स्टैंडर्ड डेविएशन टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ इग्नोरिंग एल्जेब्रिक साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस, वी टेक स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल डेविएशन एंड फ्रॉम द मीन, ठीक है, हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको प्लस माइनस अपने ऊपर वाले उसमें डाटा में क्या करने पड़ते थे, इग्नोर करने पड़ते थे, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, उसका स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या आता है हमारा लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व एक अच्छा होता है, मतलब एक अच्छे तरीके का डाटा शो करता है। क्या कहता है हमारा लॉरेंस कर्व, और लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनक्वालिटी और वेल्थ इनक्वालिटी डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिक्स मैक्स लॉरेंस इन 1905, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता क्या है लॉरेंस कर्व, और सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बेटा ये सब क्वेश्चन आपके तब होंगे जब हम लोग आगे अपना क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी हमारा मीन डेविएशन के बीच में, क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में एक क्या होता है हमारा एक रिलेशनशिप भी होता है, जो हम लोग क्या करेंगे अपने जब जब पढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से देखते हैं।
वो हम लोग अपनी लास्ट वाली क्लास में देखेंगे। बाकी आज का हमारा टॉपिक, मैंने मतलब एक ओवर भी दिया आपको किसका, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, तो हम लोग अपने कल से इसके बारे में क्या न्यूमेरिकल्स के साथ में स्टार्ट कर देंगे अपना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चे तो शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए JSO EO और इंग्लिश मेंस, मतलब ये भी आपको उसके लिए है ठीक है, और इंग्लिश के लिए, मतलब तीनों के तीन आपको किसके लिए, मेंस के लिए तैयारी करवा रहा है, और आपको एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा ठीक है। अभी तो हम लोग JSO की क्लास ले रहे हैं, फिर इसके बाद में हम लोग किसकी क्लास लेंगे, अपने EO की क्लास लेंगे, तो वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से इसी तरीके से पढ़ते जाओगे। चलो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।